आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि ऐसे प्लान की जो बेहद ही कम है, 34x23 फीट। जी हाँ दोस्तों, 34x23 फीट में ये मकान डिजाइन किया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर, और बेहद ही खूबसूरत और अच्छा सा मकान है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, लेटरिन बाथरूम और बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके बेडरूम्स हैं। तो ये मकान आप देख पा रहे होंगे, इसका फ्रंट व्यू की हम बात करें, सामने से बात करें तो मैं जिस जूम करके और आपको दिखा देता हूँ, सामने से ये मकान आपको ऐसा दिखने वाला है। ये मेन डोर है और यहाँ पर दो विंडो हो और एक डोर भी दिया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक विंडो या दो डोर विंडो लगवाते हैं। और ये वेंटिलेशन का प्रॉपर भी मैंने ख्याल रखा है, और आपका डोर के ऊपर ये प्रॉपर तरी रेलिंग बना दी है, इसमें आपका वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। और चारों तरफ आपका ये रेलिंग और ये आपका गुमटी बना है, जिसमें आपका स्टेयर्स जाएंगी, सीढ़ियां जाएंगी उसको ढकने के लिए। हम इस मॉडल को आज डिस्कस करने वाले हैं, अंदर क्या है इसमें। उससे पहले हम आपसे गुजारिश ज़रूर करना चाहेंगे, आपने अगर हमारे चैनल इस्फाल हाउस प्लान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो लगातार देख सकें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगातार दोस्तों मैं अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। देखिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं हमारे चैनल पर अलग अलग साइज के। अगर आपका कोई भी रिकमेंडेड साइज है, आप चाहते हैं बनवाना, तो मुझे कमेंट करें या आप यहाँ पर आएँगे सर्च कर लेंगे तो आपको कोई ना कोई मॉडल आपके साइज़ का ज़रूर मिल जाएगा जो आप बनवाना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम पूरे मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। इसको आज जो इसका साइज है जो दोस्तों 34x23 फीट, मतलब 34 फीट इसकी चौड़ाई है टोटल और 23 फीट इसकी यहाँ पर लंबाई है। 34x33 फीट में मकान डिजाइन की है। अब हम अगर बात करें इसका ट्रांसपेरेंसी की, जैसा कि मैं हमेशा की तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ, तो जैसे इस मॉडल को आप ट्रांसपेरेंट करते तो ये देखिएगा, ये मॉडल आपका ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंसी का मतलब इसी दोस्तों मतलब ये होता है कि ये आपका जितनी भी दीवारें होती हैं वो सारी हाइड हो जाती हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ फर्नीचर देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल है ट्रांसपेरेंसी में। अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी में हटा देते हैं और इसको ले आते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। तो जैसे आप ओरिजिनल पोजीशन पर लाएंगे तो ये आपका डोर दिखता है। अब हम इसको ले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो मैं पहले जूम कर देता हूँ जिसमें आपको देखने में आसानी मिले। ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से आप चढ़ेंगे, मेन डोर है। जैसे हम मेन डोर से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखिएगा यहाँ पर मिल जाती है स्टेयर्स। ये देखिए एल साइज की स्टेयर्स हैं जो आपकी जाएगी, और ये आपका लेटरिन और बाथरूम कॉर्नर पर दिया है। उसी के साइड में आपका एक किचन मैंने दिया है, यहाँ पर डोर भी लगे हैं आप देख सकते हो। और अगर आप नल वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये आपका जो स्टेयर्स गया है इसके बगल में आप नल वगैरह लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इन रूम्स की, देखिएगा ये दो बेडरूम आपके रेडी कर दिए हमने, ये दोनों बेडरूम हैं आप देख पा रहे होंगे, और इन दोनों बेडरूम के लिए जो डोर है यहाँ से दिया है। और अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम में एक यहाँ विंडो भी अंदर से दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ्रंट से एक डोर और दो विंडो दे रखी हैं, तो वो आपका कोई भी ज़रूरी नहीं है देना। अब इस बेडरूम में मैंने कुछ आपका फर्नीचर रख दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये स्टेयर्स हो गई, दो बेडरूम, लेटरिन, ये लेटरिन हो गई, ये आपका किचन होगा। प्रॉपर तरीके से घर आपका मेंटेन हो जाता है 34x23 में। तो ये मेन डोर है। अब स्टेयर्स को हम थोड़ा सा इधर से लेकर फिर इधर ऐसे चढ़ाते हैं और आगे जाकर मोड़ देते हैं। ये क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपका जो स्टेयर्स होगा बहुत ही कम जगह में आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं, ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब बात करते हैं इसका लास्ट फ्लोर का। तो लास्ट फ्लोर में दोस्तों कुछ नहीं है, ऊपर आके आपका जो भी है लेंटर पड़ा हुआ है, मतलब छत है, और ये रेलिंग है जो कि अब डिजाइनिंग यहाँ पर देख पा रहे हो, रेलिंग में डिजाइनिंग है। और ये आपका दोस्तों स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने बनाया है, जो लास्ट फ्लोर है वो आपका ऐसा बन जाता है। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से मकान बन गया था 34x23 में। और ये मकान कैसा लगा, डिजाइन कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।